सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान है और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया दोस्तों एक बहुत ही कमाल की प्रोडक्ट, ये है दोस्तों जायरोस्कोपिक वाला एयर माउस। यानी कि दोस्तों ये एक ऐसा माउस है जो कि आपके तमाम स्मार्ट LED के ऊपर जो है वो काम करेगा और इसकी मदद से आप अपना जो रिमोट होता है वो यानी LED का जो रिमोट होता है वो आप कंट्रोल कर सकेंगे। और इसके एक साइड पे जैसे रिमोट के बटन होते हैं कुछ वैसा सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा और इसके बैक साइड पे पूरा जैसे क्वार्टरी कीबोर्ड होता है ना कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर पूरा आपको क्वार्टरी कीबोर्ड देखने को मिल जाएगा। यानी कि इसके दोनों साइड पर जो वो बटन लगे हुए प्लस इसके अंदर आपको एयर माउस की सहूलत आपको देखने को मिल जाती है। यानी कि इसका मतलब है ये जायरो के साथ काम करता है। यानी कि जैसे मोबाइल फ़ोन के अंदर आपके जायरो होता है, मोबाइल फ़ोन को ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो वो आपके जो कह लें कि गेमिंग वगैरह के अंदर ये चीज़ें वगैरह आपके लिए काउंट होती है वो तमाम चीज़ें जो है इसके अंदर है। तो यार इसको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं और इसको आपको चलाने का तरीका वगैरह तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके भाई, तो कुछ इस तरह का हमें इसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एयर माउस विद जायरोस्कोप क्वार्टरी कीबोर्ड और एंड्रॉयड विंडो आप यानी इसको PC वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रंट पे आपको ये एयर माउस 2.4 GHz जिसकी फ्रिक्वेंसी आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप ये दिखाया हुआ कि स्मार्ट TV PC एंड्रॉयड माउस टैबलेट गेम पैड कीबोर्ड तमाम चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। बैक साइड के ऊपर इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो मैंशन की गई है, यही जो जो सामने फ्रंट पे लिखा हुआ था वही तकरीबन स्पेसिफिकेशन यहाँ पे बैक साइड के ऊपर भी लिखी हुई है। और ये कुछ इसका रिमोट है और बस इसको खोलते हैं। सिंपल सा रिमोट है, कोई ज्यादा इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये हमें इसके अंदर कोई दो तीन चीज़ें ये हमें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले हमारा ये बॉक्स खोलने के बाद एक हमें मिलता है ये यूज़र मैनुअल गाइड। ये मिलता है हमें एक यूज़र मैनुअल गाइड। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एयर माउस वायरलेस कीबोर्ड सोमेटिक हैंडल और ये कुछ इस तरह के पेपर वर्क हमें देखने को मिल जाते हैं। और उसके अलावा एक अदद हमें इसकी जो चार्जिंग माइक्रो USB की जो केबल होती है वो देखने को मिल जाती है। यानी एक जो ये चार्ज होता है यानी कि इसके अंदर चार्जिंग की फैसिलिटी जो है वो मौजूद है। और इस तरह से खोले तो इस तरह से हमारा रिमोट हमें देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरह का हमें इसका रिमोट देखने को मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। बड़ा ही प्यारा सा सिंपल से किस्म का ये रिमोट है। इसकी रैपिंग जो है आपको उतार के दिखा देता हूँ मैं, ये देखें ये दोनों तरफ की रैपिंग मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रैपिंग जो है रिमूव कर दी है दोनों तरफ की। इस तरफ से आप देखें ना, इस तरफ से यहाँ पे इसके बटन वगैरह जो है वो सारे जैसे रिमोट के पावर ऑन ऑफ वॉल्यूम वगैरह और ये चारों बटन ये बैक ये चीज़ें वगैरह आपको देखने को मिल जाते हैं। और बैक साइड के ऊपर जाएंगे ना तो बैक साइड के ऊपर आपको हमारा जो पूरा कीबोर्ड होता है ना सारे इस तरह के जैसे कीबोर्ड के बटन होते हैं ना वैसे हमें तमाम बटन इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो यार अगर आपको YouTube वगैरह पे कोई सर्चिंग वगैरह करना चाहते हैं उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा ये काम की जो है चीज़ होने वाली है। उसके अलावा एक हम इसके अंदर इसकी USB डोंगल हमें देखने को मिल जाती है जो कि आप अपने किसी भी स्मार्ट TV वगैरह या किसी के साथ भी जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं स्मार्ट TV के साथ, इस डोंगल को लगाते हैं USB वाली जगह पे जहाँ पे स्मार्ट LED के पीछे जो है वो लग जाते हैं। उसके बाद आपको उसका पेयरिंग का मेथड वगैरह बता के तो फिर आपको बताता हूँ। तो ओके भाई, हमारा जो पेयर है वो हो चुका है। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके अंदर खाली जो USB की डोंगल है ना उसको आपने अपने LED के पीछे जो है वो जस्ट प्लग इन कर देनी है जहाँ पे आपकी USB लगती है। उसके अलावा आपको ये जो पावर बटन है और ये जो सॉरी ये जो आपका ओके बटन है और ये जो बैक बटन है ना इसको आपने 2 सेकंड के लिए दबा के रखना है। उसके बाद यहाँ पे हल्की सी आपकी रिमोट की लाइट ब्लिंक होगी और ये ऑटोमेटिकली इसके साथ पेयर हो जाएगा। पेयर होने के बाद जैसे आपका सिंपल रिमोट काम करता है ना उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकेंगे। ये आप देख सकते हैं कि सिंपल जैसे हमारा रिमोट काम करता है। अगर मैं माउस के ऊपर आऊँगा तो यहाँ से आप इसे ये देख सकते हैं कि जायरो की मदद से इसका मैं अगर इधर लेके जा रहा हूँ रिमोट, अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँगा लेफ्ट पे तो लेफ्ट पे, राइट पे तो राइट पे, तो इस तरह हमारा जायरो भी जो है वो काम करेगा। रिमोट का बटन जो है यानी जायरो की मदद से आप अपना इजीली जो है रिमोट कंट्रोल को जो है मज़ा हाथ यानी उठा सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से देख सकते हैं कि वॉल्यूम भी जो है वो कंट्रोल हो रहा है। तो यानी तो आपका ऑल इन वन जो है ना ये रिमोट जो है वो बन जाएगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि ये तमाम LED को सपोर्ट करता है, जितनी भी आपकी LEDs है उनके ऊपर ये आराम से जो है वर्किंग करता है। किसी किस्म का आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप किसी कोई भी आपके स्मार्ट LED हो, चाहे चाइना की हो, चाहे सैमसंग की हो, चाहे चैंगहोंग रूबो की हो, चाहे TCL की हो, उसके ऊपर आप जो यूज़ कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आने वाला। अब जैसे मैं यहाँ से अब इसका जो मेन आपको फ़ायदा मैं आपको बताने लगा था ना, फ़ायदा इसका सबसे ज़्यादा यही है कि जैसे ही आप इसके बैक साइड पे देखते हैं ना तो बैक साइड पे आपको पूरा कीबोर्ड आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो आपको यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि जो स्मार्ट TVs होते हैं ना इसके ऊपर अब यूट्यूब वगैरह हर बंदा ही इस्तेमाल करता है। लेकिन रिमोट के अंदर ना आम रिमोट के अंदर मसला ये आता है कि आप इसके ऊपर कोई भी चीज़ सर्च वगैरह नहीं कर सकते आसानी से। तो इसके ऊपर से आपको किसी किस्म का ऐसा मसला नहीं आएगा। आपने जस्ट इसके ऊपर जाना है और जब आपने जब ABC के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से जैसे मैं यहाँ से अपना जो चैनल का नाम है ना वो यहाँ से सर्च कर लेते हो, जैसे NOUMAN नुमान
TECH, वो देखिए वो नीचे जो है ना वो मेरा चैनल जो है वो आ गया। तो अब यहाँ से जाके मैं अपना चैनल जो है वो इजीली आपको दिखा सकता हूँ। तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इजीली जो है ना आप यहाँ से जाके अपनी आराम से, यानी इसका जो मज़ा है ना वो सबसे ज़्यादा मज़ा इसका यही है कि आप YouTube पे जाके ना आराम से, मैं ज़रा वॉल्यूम इसका हल्का कर दूँ, आप YouTube पे जाके आराम से जो है ना इसका मज़ा हासिल कर सकते हैं। ये इसका जो है ना सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट है। तो यार यही इस रिमोट की सबसे ज़्यादा खास बात है और यही वजह कि मैंने ये रिमोट फ़ोन जो है ना वो मैंने परचेज़ किया है, क्योंकि मेरे स्मार्ट एलईजी का जो रिमोट है ना वो बच्चे ने ख़राब कर दिया था, बच्चों ने मुझे एक नया रिमोट चाहिए था। तो आम रिमोट जो है ना वो आपको तकरीबन मार्केट में ईजीली देखने को मिलेगा 500-600 रुपये का, लेकिन ये जो रिमोट है ना ये आपको तकरीबन 950 से 1000 रुपये तक का आपको ईजिली मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं एयर माउस, एयर माउस इसको कहलाता है, एयर माउस रिमोट भी कहलाता है, एयर माउस भी कहते हैं। खाली आप किसी भी रिमोट वाली शॉप पे जाके, किसी भी बड़ी रिमोट वाली शॉप पे जाके आप जाके उनसे ये माउस जो है ये रिमोट जो है वो आप बोलेंगे तो वो आपको इजीली जो है वो दिखा देंगे। तो ये देख सकते हैं कि मेरी वीडियो जो है उसके ऊपर चल रही है, आप आराम से यहाँ से बैक भी कर सकते हैं मज़े से ना, आप यानी इस रिमोट का फ़ायदा उठा सकते हैं। सिंपल तरीके है, फ्रंट साइड के ऊपर आपका पूरा रिमोट बना हुआ सिंपल सा, बैक साइड के ऊपर पूरा आपका कीबोर्ड, आपको लिखने में आसानी रहेगी, किसी किस्म का कोई मसला नहीं आपको आने वाला। तो बस उम्मीद तो यार वीडियो को पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यार मैं लोग आपसे इंशाल्लाह ताला आप अगले आने वाली वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको तो सलमान ताहिर, अल्लाह हाफिज़।